अब पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में आज सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इससे पहले हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब तो विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले पर, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही विल गो टू मार्केट। तो मार्केट ही क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, मार्केट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मार्केट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और आपका ही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे करेंगे मार्केट विल बी गोन बाय हिम। सिंपल है, मार्केट विल बी गोन बाय हिम। अब नेगेटिव में आते हैं, तो नेगेटिव में इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका सेंटेंस हम लेते हैं, तो सब जैसे यही हो जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। तो इसका पैसिव क्या होगा, मार्केट विल नॉट बी गोन बाय हिम। अब इंटरोगेटिव पे आते हैं, इंटरोगेटिव क्या होगा आपका, विल ही गो टू मार्केट। इसका ए एक्टिव वॉइस होगा विल ही गो टू मार्केट। तो इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना, तो क्या होगा आपका, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल मार्केट बी गोन बाय हिम। इसी के साथ आपका ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस फिनिश होता है। आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर मैं आपको बता दूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको बताता हूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। जी हाँ, तो ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे ही एक्टिव में बनाते हैं, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका सेंटेंस क्या था, ही विल हैव गॉन टू मार्केट, तो ही क्या होगा आपका इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा और मार्केट आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो करते हैं, तो आपका हो जाएगा मार्केट विल हैव बीन गॉन बाय हिम। अब नेगेटिव में आते हैं, तो नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, तो इसका क्या हो जाएगा, मार्केट विल नॉट हैव बीन गॉन बाय हिम। अब आपका आता है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो फॉर्मूला आपका होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें हम सेंटेंस बनाएंगे, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। जैसे इसका सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव में होगा आपका विल ही हैव गॉन मार्केट। तो इसका पैसिव में क्या बनेगा, विल मार्केट हैव बीन गॉन बाय हिम। इसी के साथ आपके टोटल पैसिव वॉइस टेंस के आधार पे पूरे फिनिश होते हैं। अब आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।